नमस्कार, हम हैं जाफराबाद में दिल्ली के, जहाँ पे फिलहाल चुनाव चल रहा है। आज इलेक्शन का सिक्स्थ फेज है और आज दिल्ली के 7 लोकसभा सीट्स आज वोट कर रहे हैं। हम यहाँ कुछ वोटर्स के साथ हैं जिन्होंने अभी मतदान किया है। सर, आप बताएं कि जाफराबाद में इस बार क्या चुनावी मुद्दे हैं, वोटर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इशूज़ क्या है? वोटर्स के लिए तो इशू यही है कि हर आदमी ये सोच रहा है कि हर 5 साल में चेंजिंग होनी चाहिए। हर 5 साल चाहे सरकार किसी की बने, लेकिन वोटर यही चाहता है कि 5 साल, हर 5 साल काम का हो या ना हो, हर 5 साल में चेंजिंग होगी तो काम इंशाल्लाह होगा जी। और आपके इलाके से इस बार मतदान अच्छे से हुआ है, आप लोगों को क्या लगता है? मतदान अल्लाह के कुम से इंशाल्लाह अच्छा ही हो रहा है और पूरा होगा इंशाल्लाह। और हर वोटर के मन में यही बात चल रही है कि किसी तरह चेंजिंग कर दी जाए यहाँ पर भी जी। इसके अलावा अभी देखो अब इंशाल्लाह क्या होता है। आप पोलिंग बूथ के बाहर, जहाँ पे हमारे साथ कुछ महिला वोटर्स हैं, कुछ उनमें से कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जान लेते हैं यहाँ पे महिलाओं की क्या इश्यूज रह रहे हैं इस बार इलेक्शन में। आप अपना दीदी नाम बताइए पहले। माय नेम इज आयशा। आयशा, आप बताइए कि आपके इलाके में महिलाएं किस इश्यूज पे फिलहाल इस बार मतदान कर रही हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज की सिक्योरिटी, एंड अदर थिंग इज मेजरली इश्यूज फ्रॉम राइट लाइक पॉवर्टी, एंड द सेकंड एंड लास्ट थिंग दैट वाज लाइक फॉर श्योर अबाउट द लाइक middle persons and the securities and all of things it's happened there. जी जी। आप दीदी, आप बताएं, आप फर्स्ट टाइम इस बार वोट कर रही हैं? फर्स्ट टाइम कर रही हूँ जी। तो आप बताएं कि एज अ फर्स्ट टाइम वोटर आप क्या चाहती हैं कि आपसे यहाँ पे जो एमपी हैं वो क्या काम करें, स्पेसिफिकली आपके इलाकों के लिए और महिलाओं के लिए? वो क्या बोलते हैं, महिलाओं के लिए जो कुछ सीटें होती हैं वो आरक्षित कराएँ, और मतलब और साफ सफाई का ध्यान रहे, साफ सफाई का ध्यान रहे। दीदी, आप बताएं, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है एज वोटर्स, आपको क्या लगता है? जी, इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि सेफ्टी होनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लगता है कि औरतें कैंडिडेट बननी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? जी जी जी, बिल्कुल। तो इस बार आपको लगता है कि दिल्ली में औरतें कैंडिडेट देनी चाहिए थी? जी जी। आपकी सीट में अगर औरत कैंडिडेट होती तो आपको क्या बेहतर लगता? जी बिल्कुल। लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, आपके इलाके से क्या चेंज होने वाला है? जी हाँ, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं और देखेंगे।